हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है छोले और जीरा राइस, जिसे मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बनाया है। ये बहुत जल्दी बन तो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इस तरीके से अगर आप एक बार बना लेंगे तो आपको बार बार ऐसे ही बनाकर खाने का मन करेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप चीक पीस लिया था, यानी कि छोले, वाइट छोले मैंने यहाँ लिए हैं। और इसे मैंने करीब 8 से 10 घंटा भिगो दिया था और ये अच्छे से फूल चुका है अब। तो इसे हम बनाना अब स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और इसे पतले स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। छोले में ही मैंने इस प्याज को डाल दिया है। हम छोले को यहाँ बॉयल नहीं करने वाले हैं, साथ साथ हम इसे पकाने वाले हैं। तो छोले में मैंने प्याज डाल दिया है। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इस पेस्ट को मैं डाल देती हूँ। करीब 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और अब इसमें मैं मसाले डालती हूँ। धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, 1.5 बड़े चम्मच धनिया पाउडर का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं। और अब यहाँ पे जीरा पाउडर भी डाल देते हैं, 1 बड़ा चम्मच। ये रोस्टेड जीरा पाउडर है और मैं हमेशा इसी मसाले का यूज़ करती हूँ, रोस्टेड जीरा पाउडर का। यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, करीब 1 बड़ा चम्मच। और इन सबको हम छोले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि छोले में जो है वो स्पाइसेस अच्छे से चला जाए। और अब इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं, सरसों का तेल 1 चम्मच। मैंने गरम नहीं किया था तेल को, ऐसे ही नॉर्मल मैंने 1 चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल दिया है, उसको भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और सबको मिक्स करने के बाद हम इसको करीब 3 से 4 मिनट के लिए बस ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे, ताकि जो भी इसमें मसाले हैं सब अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसमें एक अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो अब इसे मैं ढक कर छोड़ देती हूँ। और तब तक मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है गैस पर, गैस का फ्लेम हम ऑन कर देते हैं। प्रेशर कुकर हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं, यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अगर आप चाहें तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं छोले, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तेल को गर्म हो जाने देंगे और यहाँ पर मैंने आँच लो टू मीडियम रखा है फ्लेम को। और थोड़े से मैंने मसाले ले लिए हैं, खड़े मसाले, तेज पत्ता है, लाल मिर्च है और लौंग है 2 से 3, और छोटी इलायची है, काली मिर्च है। इन सबको मैं इसमें डाल देती हूँ। मिर्च को मैंने तोड़ के डाला है, तेज पत्ते को मैंने ऐसे ही डाल दिया है और सारे खड़े मसाले भी मैंने तेल में डाल दिए हैं। अब इसे थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे और इसमें से एक अच्छी खुशबू आने लगे। तो समझिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से हो चुका है क्रैकर। अब इसमें जीरा डाल दिया है मैंने 1 चम्मच। जीरे को भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, मतलब इसे भी क्रैकल हो जाने देंगे। और अब इसमें हम हींग डाल देते हैं 1/2 चम्मच, और इन सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। और अब इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हींग डालने से थोड़ा डाइजेशन के लिए वो अच्छा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हींग का यूज़ किया। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं छोले डाल देती हूँ, जिसमें मैंने सारे मसाले डालकर रखे हुए थे। ऑयल में हम इसे डाल देते हैं और आप देख सकते हैं इस छोले में जो मसाले गए हैं वो बेहतरीन लग रहे हैं देखने में भी, और खाने में भी यकीन कीजिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये छोले। तो इन सबको अब हम फ्राई करने वाले हैं। छोले को थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे, ताकि जो भी लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए और जो हमारे ड्राई मसाले हैं वो भी अच्छे से भुन जाएँ। तो थोड़ी देर तक हमें इन्हें फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं फ्राई करने वाले हैं, करीब 5 से 7 मिनट हम इसे फ्राई करने वाले हैं। और ये देखिए अब जो प्याज है वो हल्का सॉफ्ट होने लग गया है। तो अब हम इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, मैंने यहाँ 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है। हल्दी पाउडर डाल देते हैं 1 चम्मच, और इनको भी हम साथ में मिलाते हुए भून लेंगे।
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे, क्योंकि सारे मसाले जो हैं वो काफ़ी अच्छे से भुन रहे हैं। तो इसमें जो चना है वो बॉयल होने तक का इसका समय बच जाता है, और साथ में हम इसे फ्राई करते हैं। इसे थोड़ी देर हम ढक ढक कर फ्राई करेंगे, जितने देर भी हम इसे पकाने वाले हैं उसे ढक कर हम फ्राई करने वाले हैं। अब इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था, करीब 3 छोटे टमाटर का मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि छोले में टमाटर का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने 3 टमाटर डाले हैं छोटे साइज़ के, और इसे भी अब थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे ताकि जो टमाटर है वो भी पक जाए अच्छे से हमारे छोले के साथ। और ये ऑलमोस्ट अब हो चुका है, बस थोड़ी देर इसे और ढक देते हैं। ये ढक्कन हटाया और एक दो बार इसे और चला देंगे। बस यहाँ पे अब हम सांभर मसाला डाल देते हैं। सांभर मसाला डालने से इस छोले का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि अक्सर लोग छोले बनाते समय सांभर पाउडर का यूज़ नहीं करते हैं, छोले मसाला डालते हैं जनरली। मैं यहाँ गरम मसाला डाल रही हूँ 1 चम्मच, और ये जो गरम मसाला है इसको मैंने घर पे ही तैयार किया है। तो इसे डालकर भी हम बस चला देते हैं और हो चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। करीब 1 बोल भरकर मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और इसमें पानी चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी ताकि जो है ये पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया है, और अब इसे पैक कर देती हूँ। जब तक इसमें सीटी ना आ जाए तब तक इसे मैंने फुल फ्लेम पे रखा हुआ है, मतलब हाई फ्लेम पे रखा हुआ है। 1 सीटी आने के बाद मैं इसका जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम पे कर दूँगी, और इसे 4 से 5 सीटी आने तक मैं कुक करने वाली हूँ। तो अब इसको मैंने दूसरे गैस पे शिफ्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है क्योंकि हमें ज़ीरा राइस भी बनाना है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा लिया है, और ये देखिए मैंने यहाँ पे बासमती राइस लिया है 1.5 कप। इसको पहले ही मैंने धो लिया था और इसे छन्नी में डालकर मैंने छोड़ दिया था ताकि ये थोड़ी देर ऐसे ही रहे और जो इसका एक्सेस पानी है वो निकल जाए। तो अब मैं ज़ीरा राइस बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। कढ़ाई गर्म हो चुका है और इसमें मैं घी डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून घी डाल दिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, बट घी में जो जीरा राइस बनता है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और उस छोले और राइस का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। अब यहाँ मैंने जीरा लिया है और 2 इलायची लिया है, उन दोनों को मैं यहाँ पर डाल देती हूँ घी में, और इसे थोड़ी देर क्रैकल हो जाने देंगे। इससे एक बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। तो ये देखिए ये क्रैकल हो चुका है। अब इसमें मैं 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देती हूँ, जिससे इस बासमती राइस का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। और इसमें मैंने राइस भी डाल दिया है जो मैंने सोख करके रखा हुआ था, और इसे थोड़ी देर तक हम चला लेंगे, करीब 2 से 3 मिनट तक, ज़्यादा नहीं। इसे हमें थोड़ी देर के लिए ही फ्राई करना है, नहीं तो जो चावल है उसे मैंने पहले ही सोख करके रखा था, तो ज़्यादा अगर चलाऊँगी तो वो टूटने लग जाएगा और चावल जो है वो खिला खिला नहीं बनेगा। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ही चलाएंगे ताकि बस ये थोड़ा सा हल्का सा बस फ्राई हो सके। और इसमें अब हम नमक डाल देते हैं 1/2 चम्मच, और इसे वापस से मिला देंगे। बस ये जो चावल है हमारा फ्राई हो चुका है, इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे अब। और इसमें पानी डाल देते हैं। मैंने 1.5 कटोरी चावल लिया था, तो यहाँ मैं 3 कटोरी भरकर पानी डाल रही हूँ। ये मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट होता है राइस बनाने के लिए। और अब हम सबको मिला देते हैं। इसे हम पहले तो थोड़ी देर के लिए फुल फ्लेम पे रखेंगे, जैसे ही 1 बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम इसका जो फ्लेम है उसे कम कर देंगे। अभी मैंने कम कर दिया है क्योंकि 1 बॉयल आ चुका है पानी में, तो अब मैंने बिल्कुल फ्लेम को लो कर दिया है। इसे ढककर 8 से 10 मिनट तक हम पकाने वाले हैं। अब इसे हम 8 से 10 मिनट बाद ही ओपन करेंगे, तब तक हम यहाँ पे छोले को देख लेते हैं। ये लास्ट सीटी है जो अभी विसिल लगी है जस्ट, बस अब ये जो छोले है ये हो चुका है पूरी तरह से। मैंने गैस का फ्लेम जो है ऑफ़ कर दिया है, और ये राइस जो है हमारा बनकर तैयार है। तो मैं इसे अभी ऐसे ही छोड़ देती हूँ
अभी ओपन नहीं करूँगी इसे, थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। और इसे मैंने दूसरे गैस पर शिफ्ट कर दिया। और छोले को अब हम खोल लेते हैं। वाओ, कलर कितना बढ़िया आया है इस छोले का। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना बढ़िया से पका है। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये देखिए कलर इस छोले का कितना बढ़िया आया है। प्याज भी सारे गल चुके हैं, एक भी प्याज आपको इसमें नहीं दिखेगा। और अब मैं इसमें धनिया पत्ती डाल रही हूँ और इसे हम मिक्स कर देते हैं छोले के अंदर। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है अभी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। अब इसे हम ढककर छोड़ देते हैं और अब राइस को देख लेते हैं। ये देखिए, राइस भी जो है हमारा बनके तैयार है पूरी तरह से। एक एक इसका जो दाना है वो बिल्कुल खिला खिला सा है, बहुत ही बढ़िया। तो मैं इसे अब गार्निश कर देती हूँ कोरिएंडर से, धनिया पत्ती से। और अब हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे। यहाँ मैंने एक प्लेट लिया है। अब इसमें पहले मैं राइस डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं ये राइस बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। ऐसा लग रहा है बस देखते ही खाने को मन कर रहा है। और इसमें छोले डाल देती हूँ। जुलियन कटिंग करके मैंने यहाँ पे जिंजर को डाल दिया है, ऊपर से धनिया को डाल दिया है और साथ में मैंने प्याज के स्लाइसेस को रख दिया है। टमाटर और नींबू के साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, ऐसा कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो आप भी इस तरह से छोले को ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पे और खाइए, इन्जॉय कीजिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।